आज हम बात करेंगे 302 मर्डर केस के बारे में। बहुत से लोगों की क्वायरी आई है कि मैम मर्डर केस में जमानत कैसे हो सकती है, कब हो सकती है, किस सिचुएशन में हो सकती है, तो पूरी जानकारी आपको देंगे। लेकिन पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है 302 का केस। बहुत ही सीरियस केस होता है, मर्डर केस होता है। इसमें अगर आप जमानत चाहते हैं तो किस पॉइंट पर आपको जमानत मिल सकती है और कब आपको जमानत नहीं मिल सकती है, पूरी जानकारी आपको मिलेगी। लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका सहयोग हमारे लिए बहुत जरूरी है। अब सबसे पहले तो जो देखा जाता है वो कारण देखा जाता है, मोटिव देखा जाता है कि मर्डर का क्या मोटिव था, मर्डर का क्या कारण था। क्योंकि कोई अगर किसी की हत्या करता है तो कोई ना कोई तो कारण होता ही है। लेकिन इंसिडेंट के बिना किसी कारण के अगर किसी के हाथ से वो हादसा हो जाता है तो कहीं ना कहीं जमानत मिल सकती है। देखो, कारण किसी न किसी अपराध का कोई ना कोई होता ही है, लेकिन बिना किसी कारण के बाय चांस ऐसा हो जाता है तो जमानत मिल सकती है। ऑन द बेसिस ऑफ द पॉइंट कि क्या क्या पॉइंट आप जज साहब के सामने रखते हो। दूसरी बात, अगर हम ले आफताब और श्रद्धा के केस की, आफताब ने पूरी जानकारी के साथ और पूरी स्कीम के साथ ये किया था। क्योंकि आफताब ने पहले उसको गला घोट के मारा, फिर उसके टुकड़े कर जंगल में फेंक दिए, तो ऐसे में जमानत होना नामुमकिन है, यानी कि जमानत उसकी नहीं होगी। अब हम दूसरा केस सेम लेते हैं कि अगर मान लीजिए कोई पति है, वो ड्रिंक कर दारू पीकर आया, नशा करके आया, और नशा करके जब उसने अपनी पत्नी से खाना मांगा या पीने के लिए कुछ मांगा और उसने मना कर दिया, तो हाइपर हो गया और उसने चाकू लिया और अपनी पत्नी को मार दिया। तो यहाँ पर उसने ऐसा नशे में किया और उसको नहीं पता था कि क्या कर रहा है, और वो जो सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस बनी उसमें उसने ऐसा किया, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जमानत हो सकती है। अब यहाँ पे मैं ये नहीं कहती हूँ कि होगी ही जमानत, हो सकती है, वो आपके पॉइंट जज साहब को आप क्या पेश करेंगे उसके ऊपर है। लेकिन हाँ, जो उसके साथ मान लीजिए एक आदमी है जिसके जो आया है वो पति आया है, लेकिन उसका जो फ्रेंड है उसने भी पी रखी थी, लेकिन वो भी उस जगह पर मौजूद था जहां पर उसने कत्ल किया, यानी कि उस पति ने अपनी पत्नी को मारा, वो दूसरा आदमी भी वहां पे था, लेकिन उसकी जमानत हो सकती है, दूसरे आदमी की जमानत हो सकती है, दो तीन गवाहों से ही उसकी जमानत हो जाएगी, क्योंकि वो सिर्फ वहां पे प्रेजेंट था, उसको नहीं पता कि क्या हो रहा था और वो भी नशे में था, तो वहां पे उस दूसरे व्यक्ति की जमानत हो जाएगी। देखिए, ऐसे केसेस में जो मेन बात है वो ये होती है कि किस कंडीशन में एक्ट हुआ है। कंडीशन बहुत ज्यादा जरूरी होती है यहाँ पर। देखिए, 302 के मामले में कोर्ट विटनेस को सुनने के बाद ही जमानत के लिए सोच सकता है। अब ये इम्पोर्टेंट होते हैं, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं विटनेस भी। सबसे पहले विटनेस जैसे डॉक्टर है जिसने पोस्टमार्टम किया है, उसको पूरी क्वेरी होगी कि वो किस तरह से मरा है, क्या उसके साथ हुआ है, तो उसका विटनेस होता है। दूसरी बात, जिसने शिकायत की है वो क्या शिकायत कर रहा है। तीसरी बात, जिसने पहली बार उस लाश को देखा था। चौथी बात, कि लास्ट में वो जो आदमी था जो बाद में मारा गया, जिसकी हत्या हुई, उसने पहले जब लास्ट में वो किसी के साथ बात कर रहा था तो उसने उससे क्या बात की थी। तो यहाँ पर पहली बार जिसने उस लाश को देखा, या फिर जिसने ये हत्या होती हुई देखी, या फिर जो डॉक्टर है वो, या फिर शिकायतकर्ता के क्या बयान आ रहे हैं वो, इन सभी के बेस पर आपका जो वकील है वो क्या डिफेंस तैयार करता है और क्या बातें जज साहब के सामने रखता है, इसके ऊपर दारोमदार होता है कि आपकी जमानत होगी या नहीं होगी। अब यहाँ पे अगर 302 का केस है तो जमानत हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट से ही होगी, और विटनेस का बयान करवाने के बाद ही जमानत का आवेदन हाई कोर्ट में किया जाना चाहिए। देखिए, अगर आपका केस ज्यादा ब्रूटल नहीं है जैसे आफताब का था, तो यहाँ पर आपकी जमानत नहीं होगी। देखिए, अगर ब्रूटल केस है तो जमानत नहीं होगी, सीधा जजमेंट होगा, ये ध्यान रखना। लेकिन अगर एक से ज्यादा उसमें अपराधी है, मुस्लिम है किसी केस में, तो उनमें से किसी की जमानत हो सकती है। जब एक से ज्यादा होते हैं मुस्लिम, तो कई बार होता है गेहूं के साथ धूम पिस जाता है, किसी ने कुछ नहीं किया होता, तो उसकी जमानत हो सकती है। जैसे मैंने पहले बताया आपको कि उस पति ने जब पत्नी को मारा दारू पी के, उसका जो साथी था, फ्रेंड था, वो भी दारू पी के आया था उसी के घर में, लेकिन वो बैठा हुआ था, तो जो सेकेंड पर्सन है उसकी जमानत हो सकती है, थोड़ी गवाही के बाद ही हो सकती है। अब कई बार हाईकोर्ट आपकी बेल एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं करता, वहां पे वो रीजन भी देता है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के बयान होने के बाद ही आप ये बेल एप्लीकेशन लगाइए, यानी कि जमानत की अर्जी लगाइए।
तो यहाँ पर तो आपको इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की जो बयान होंगे, जो गवाही होगी, उसके बाद ही आपको बेल एप्लीकेशन जमानत की अर्जी लगानी होगी। और यहाँ पर आपको बता देती हूँ कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के बयान के बाद जब आपका वकील अपने विटनेस, अपनी बातें पेश करता है, किस तरह से आपका डिफेंस कवर करता है, तो पूरी तरह से समझ में आ जाता है कि किस तरह से जो है जमानत हो सकती है। सारा जो पॉइंट्स है वो विटनेस के ऊपर होते हैं, गवाहों के ऊपर होते हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की क्या रिपोर्ट आई है, क्या बयान आए हैं उसके ऊपर होता है, डॉक्टर ने क्या कहा है इसके ऊपर होता है, और सबसे बड़ी बात कि आपका जो वकील है वो किस तरह से जो मेन मुद्दा है उसको पेश करने में सक्षम हुआ है या नहीं हुआ है। अगर वाकई में वो हो चुका है और पूरी बात क्लियर कर चुका है तो आपको जमानत मिल सकती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि पूरी तरह से आपको पता चल चुका होगा कि 302 में कब जमानत मिल सकती है और कब नहीं मिल सकती है। फिर भी अगर आपकी कोई क्वायरी है तो व्हाट्सएप नंबर पर अपॉइंटमेंट लेकर आप हमसे बात कर सकते हैं। हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि आपकी लीगल समस्या का समाधान करें। इसी तरह से हमारे साथ रहिएगा। धन्यवाद।